नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आज चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है, उस पर रुपए मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कैसे सीट से, देख रहे हैं कैसे सीट का फरवरी वायदा 6240 पर ट्रेंड। कैसे सीट का फरवरी वायदा 6240 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आज हल्की सी करेक्शन देखने को मिल रही है। कल के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि कैसे सीट का वायदा बाजार 6300 के ऊपर निकला था, लेकिन आज देख रहे हैं कि वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी बनी है और 6200 के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, हमने कैसे सीड में कल को 6300 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा था, आज देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग बनी है, 6200 के लेवल्स पर कैसे सीड एक बार फिर से आ गया है, लेकिन 6200 पर सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है। आपको यहां से क्या लगता है, क्या कैसर में यहां से एक रेंज देखने को मिलेगी या फिर यहां से जो बाजार है थोड़ा लुढ़केगा फिर खरीदारी आएगी? देखिए कैस्टर सीड में अखिलेश, आज देखिए सबसे बड़ी बात कि आज सभी एग्री कमोडिटीज की एक्सपायरी भी है, इस वजह से थोड़ा सा उठा पटक का माहौल बना हुआ है। और दूसरी बात है कि जो अभी बाजार है वो 6200 के ऊपर अभी भी सस्टेन है, तो हल्का करेक्शन बाजार, देखिए मैंने पहले भी बोला था कि 6200 तक का करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 6200 से लेकर 6180 नीचे में डाउनसाइड हो सकता है, लेकिन वहीं बाजार अभी भी पॉजिटिव है और 6500 का टारगेट अभी भी लग रहा है कि देखने को मिल सकता है। आज इंट्राडे में कैस्टर लुढ़क सकता है 6180 तक, तो वहां पर आप एक बार फिर से फ्रेश बाइंग की तरफ जा सकते हैं। जी हिस्से रूपा जी, देख रहे हैं कि बिनौला खल भी आज लुढ़कता नजर आ रहा है, 3293 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल में यहाँ से अभी थोड़ी और करेक्शन बन सकती है, क्या और गिरावट यहाँ से अभी गहराती नजर आएगी बिनौला खल के अंदर? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है गिरावट अखिलेश, लगातार तेजी के बाद करेक्शन जोन और दूसरा एक्सपायरी बेहद करीब, मतलब आज एक्सपायरी भी है, इस वजह से सभी एग्री कमोडिटीज में आप देखेंगे उठा पटक देखने को मिल रही है और ऑलमोस्ट कमोडिटीज लाल रंग के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, तो इस वजह से आज करेक्शन जोन में है मार्केट, तो घबराने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि बिनौला खल भी नीचे में 3260-3240 तक लुढ़क सकता है, अगेन वहां से फ्रेश बाइंग इनिशिएट होगी, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, छुटमुट गिरावट बन सकती है, यहाँ से 40-50 का करेक्शन एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, देख रहे हैं कि मसालों में भी आज नरमी के साथ ट्रेड होता नजर आ रहा है, हालांकि लेवल्स ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन आज बाकी कमोडिटीज में जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली उसका असर हम मसालों पर भी आते हुए देख रहे हैं, लाल निशान पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इंट्राडे में आज मसालों में कैसा रुझान रहेगा? देखिए इंट्राडे में आज करेक्शन रह सकती है, सभी एग्री कमोडिटीज में फर्स्ट हाफ में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, पोजीशनें स्केयर ऑफ हो रही हैं, इस वजह से वॉल्यूम्स भी हैं, तो मुझे लगता है कि बाजारों में हल्का करेक्शन सभी कमोडिटीज के ऊपर एक बार आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन वही ट्रेंड अभी भी मसालों का भी पॉजिटिव है, मसालों में भी धनिया आप नीचे में मान के चलिए अगर यहाँ से 10,000 के नीचे लुढ़कता भी है तो यहाँ से 9980 से 9960 आज इंट्राडे की रेंज हो सकती है और मैक्सिमम डाउनसाइड 9800 तक जा सकता है धनिए का। वहीं अगर बात करें जीरे की तो जीरे में भी करेक्शन आ सकती है, जीरा 18,000 तक नीचे लुढ़क सकता है, इससे ज्यादा करेक्शन नहीं है, मे भी ये करेक्शन हो सकता है यहीं से आपको बाउंस बैक देखने को मिले, ट्रेंड पॉजिटिव है सभी कमोडिटीज का, इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं, कोई बहुत ज्यादा अभी फिलहाल गिरावट की उम्मीद नहीं है और आगे चलकर भी बाजार जो है वो पॉजिटिव ही है, इनके अंदर तेजी बनी रह सकती है। जी यहीं से रूपा जी बात करेंगे ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि आज भी 12,000 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं लेकिन लाल निशान पर है, आपको क्या लगता है क्या यहाँ से आज थोड़ी करेक्शन बन सकती है ग्वार गम और ग्वार सीड में? देखिए ग्वार गम और ग्वार सीड में भी करेक्शन बन सकती है, आज हल्की बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है, ग्वार गम नीचे में 11,800 तक नीचे लुढ़क सकता है, वहीं सीड की बात करें तो सीड भी 6360 से लेकर 6340 तक आज नीचे गिरावट दिखा सकता है। जी ये सुरूपा जी बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है अभी हाल फिलहाल में सोयाबीन में क्या करके चलना सही रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं कि अमेरिका में तो सोयाबीन का प्रोडक्शन बढ़ने का अनुमान जता दिया गया है, वहाँ पर दिसंबर 2021 में क्रशिंग के पैराई के जो आंकड़े आए हैं वो भी ठीक ठाक आए हैं कि वहाँ पर पैराई बढ़ी है और अब आगे ऐसी संभावनाएँ जताई जा रही हैं कि जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी देखी जाएगी, लेकिन वहीं से नज़र डालें अगर ब्राज़ील और अर्जेंटीना की तरफ तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना में उत्पादन घटने की पूरी पूरी आशंका है और जो वैश्विक उत्पादन है सोयाबीन का वो भी कम ही रहने की आशंकाएं बताई जा रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है विदेशों में सोयाबीन में जो उत्पादन कम रह सकता है उसका असर भारतीय बाज़ार पर कितना रहेगा?
देखिए अभी उत्पादन जो है नो डाउट फंडामेंटल जो है विदेशी बाजार में वो काफी एक्सपेक्टेड है कि जो है वो फेवरेबल हो सकते हैं और उससे कीमतों में एक तेजी बन सकती है। लेकिन अभी डोमेस्टिक मार्केट जो है को देखा जाए तो उसके हिसाब पर अभी बाजारों में थोड़ा सा नेगेटिव ही ट्रेंड है और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बहुत ज्यादा मार्केट उठते हुए दिखाई दे सकते हैं। फर्दर आगे चलकर तेजी बन सकती है लेकिन फिलहाल के लिए बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी ये सर जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि कॉटन एक के बाद एक रिकॉर्ड तेजी लगाती नजर आ रही है हाजिर में भी और वायदा में भी, आपको यहाँ से क्या लगता है कॉटन में आगे कैसे रुझान रहेगा? कॉटन में तेजी है अखिलेश, आप देखिए 37,000 के ऊपर निकल चुका है, अब 38,000 का टारगेट में भी आपको कल तक देखने को मिल जाए या फिर नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि वायदा में 38,000 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। जी यही सर जी बात करें अगर मेंथा ऑयल की, तो मेंथा ऑयल में आपको क्या लगता है? अखिलेश मेंथा में मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लगता है मार्केट, देखिए 1,000 के ऊपर मेंथा निकला जरूर और उसके बाद जो है वापस से उसमें हमने करेक्शन देखी और बाजारों में एक दबाव आता हुआ नजर आया और अगेन अभी जो मार्केट है वो भी प्रेशर में है, 1,000 के नीचे है तो 980 तक अभी फिलहाल मुझे लगता है कि मेंथा लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी टॉपिक क्या देना चाहेंगी आप आज एग्री कम्युनिटीज में जिसमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए एग्री कमोडिटीज में आज थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, करेक्शन है आज मार्केट में तो गिरावट पर सेलिंग की तो रिकमेंडेशन नहीं होगी, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और निचले स्तरों पर आप बाइंग की रणनीति बनाएं, बिनोला खल में आप बाय कर सकते हैं, कैस्टर में बाय किया जा सकता है और इसी के साथ ग्वार के अंदर भी निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कैसा सीड हुआ, बिनौला खल हुआ, ग्वार हुआ, ये कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनमें निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है और ये उन कम्युनिटीज़ में से एक हैं जो आपको आगे भविष्य में भी अच्छा मुनाफा देते हुए नज़र आ सकते हैं। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना हुआ है मार्केट एमसीबी पर।